चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। सहदेव ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया और आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने आगामी आम चुनाव में प्रदेश की आधी सीटें जीतने की संभावना भी जताई है। सहदेव ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 से 6 सीटें जीत सकती है। अभी मीटिंग भी हुई थी, वहाँ बात भी आई थी। मैंने कहा व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक कारण हैं, स्वास्थ्यगत कारण हैं परिवार के, उन परिस्थितियों में मैं लड़ नहीं पाऊँगा। और कई लोग कहते हैं सरगुजा से आप लड़ेंगे क्या, तो वो तो आरक्षित सीट है। कि अन्य जगह से भी बात आई थी, कोरबा से भी बात आई थी, बिलासपुर से भी बात आई थी, तो मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन आधी से ज़्यादा सीटों में कांग्रेस की अच्छी संभावना है और हम लोग चाहेंगे कि आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीते, प्रयास रहेगा सभी जीतने का। तो सहदेव पर डिप्टी सीएम का तंज सामने आया। टीएस सहदेव पर अरुण साव ने निशाना साधा। चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर साव ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले मान चुकी है हार। बड़े कांग्रेस नेताओं का लड़ने से इनकार। प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी बीजेपी। सहदेव ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, उसके बाद डिप्टी सीएम का ये निशाना सामने आया है। उन्होंने निशाना साधा कि हार कांग्रेस मान चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब ही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है और छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। एक तरफ सहदेव छत्तीसगढ़ की आधी सीटें जीतने की उम्मीद जता रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदेश की सभी 11 विधानसभा सीटें जीतने की तैयारी तेज कर दी है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोलने का ऐलान भी किया है। पार्टी ने ये ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी क्लस्टर प्रभारियों को दी। गौरतलब है कि बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़ को 3 क्लस्टर में बांटा है। लोकसभाओं में कार्यालय का लोकार्पण कर चुके हैं, हमारी गतिविधियां बढ़ गई है। निचले स्तर पर विधानसभा में कार्यालय का गठन करना, जो हमने लगभग 34 कमेटियां बनाई हैं, उसको लोकसभा के बाद में विधानसभा तक स्तर पर चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको इम्प्लीमेंट करना। और नीचे तक हमने अपना वॉल राइटिंग अभियान प्रारंभ कर दिया, हमने बूथों की बैठक लेना कर दिया, घर घर चलो अभियान प्रारंभ कर दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के जो हितग्राही है उनसे संपर्क अभियान भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि इस बार 400 पार, फिर मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए 11 की गया लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजय सिंह का परम चक्र लहराए, उसके लिए कार्यकर्ता मैदान में है। कार्यकर्ता को तैयारी के संबंध में लगातार बैठ के चल रही है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व तो लगातार इन संपर्क में सबके साथ में लगा हुआ है। नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ तो कांग्रेस तो गुटबाजी की जननी है साहब। यहाँ तो व्यक्ति पर आधारित राजनीति चलती है, परिवार पे आधारित राजनीति चलती है, इसमें क्या है।